औद्योगिक क्षेत्र के बाथू स्थित एक क्रशर परिसर में चल रहे डंपिंग साइट के निर्माण कार्य की अचानक दीवार गिर गई। सुबह सवेरे हुए हादसे में 3 मजदूर मलबे के नीचे दब गए। तीनों घायलों को उपचार के लिए क्षेत्रीय अस्पताल ऊना लाया गया है, जहां से 2 को गंभीर हालत में PGI चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया है, जबकि 1 घायल का क्षेत्रीय अस्पताल ऊना में ही उपचार जारी है। वहीं सूचना मिलने के बाद पंचायत प्रधान सहित पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि तीनों मजदूर पिछले रोज ही काम के सिलसिले में यूपी से बाथू पहुंचे थे। जानकारी के मुताबिक बाथू स्थित एक क्रशर की डंपिंग साइट पर निर्माण कार्य चला हुआ था। पोस्ट टालीवाल के अंतर्गत बाथू एरिए में क्रशर में डंपिंग साइट में एक दीवार गिरने पर 3 मजदूर घायल हुए हैं, जिसमें से 2 गंभीर रूप से घायल हैं और 1 साधारण रूप से, जिसे RH ऊना में दाखिल कराया गया है। सर, कहाँ पर जो गंभीर रूप से घायल हैं उनका इलाज हो रहा है और क्या पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है? ये जो 2 व्यक्ति हैं जो गंभीर रूप से घायल हैं, इन्हें PGI चंडीगढ़ रेफर किया गया है और इसमें हम अभी पुलिस टीम मौके पर भेजी है और आगामी कार्रवाई जो भी विभिन्न धाराओं में मुकदमा बनेगा वो दर्ज किया जाएगा। सिन्हा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस पिछले 12 सालों से देश प्रदेश में तकनीकी शिक्षा से लेकर व्यवसायिक कोर्स चलाने के बाद अब सिन्हा कॉलेज में 4 वर्षीय बी फार्मेसी कोर्स, 3 वर्षीय एग्रीकल्चर डिप्लोमा कोर्स व डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी कोर्स शुरू होने जा रहे हैं। आप भी इन कोर्सेज के जरिए अपना करियर संवार सकते हैं। आपको मिलेगी उच्च स्तरीय लैब, लाइब्रेरी, हाई क्वालिफाइड स्टाफ, अलग हॉस्टल सुविधा के साथ खेल की कई प्रतिस्पर्धाएं एक ही कैंपस में। कृपया संपर्क करें सिन्हा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, NH 21, सुंदरनगर, नौलखा, जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश। आप इन नंबर्स पर भी संपर्क कर सकते हैं।